शुरू करते हैं सैयद वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश। कोड बताए थे गु खी तु सैलू, गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तु से तुगलक वंश, सै से सैयद वंश और लो से लोदी राजवंश, अंतिम राजवंश। तो सैयद वंश जो है तुगलक वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का शासन हुआ। इनका शासन काल बहुत ही कम रहा, मात्र है ना। तो सैयद वंश है ना, तो गुलाम खिलजी तुगलक के बाद सैयद वंश का शासन शुरू हुआ और इनका शासन जो है बहुत ही कम समय तक रहा, मात्र 37 वर्ष तक ये शासन किए। और चार शासकों ने सैयद वंश में शासन किए, चारों शासकों का नाम और उनका कार्यकाल जरूर से जरूर ध्यान में रखना है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां है ना, 1414 से 1421। इसके बाद मुबारक शाह आया 1421 से 1434, फिर मोहम्मद शाह 1434 से 1445, और सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था 1445 से 1451। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। उपाधि यह ग्रहण किया रैयत ए आला, उपाधि रैयत ए आला का उपाधि ग्रहण किया था खिज्र खां। भारत से जब भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था है ना 1398 ईस्वी में, तो जब तैमूर लंग भारत छोड़कर जाने लगा तो वह अपने एक सिपाही खिज्र खां को मुल्तान और लाहौर का शासक नियुक्त कर दिया था, और बाद में यही खिज्र खां दिल्ली का भी सुल्तान बन गया। तैमूर लंका के प्रतिनिधि के रूप में यह इंडिया में शासन किया था, ध्यान में रखना है। खिज्र खां स्वयं को तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था और उसे नियमित रूप से कर भेजता था, यानी कि तैमूर लंग के प्रतिनिधि के रूप में वह इंडिया पर शासन किया, दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। खिज्र खां रैयत ए आला की उपाधि ग्रहण किया था। ओके, फरिश्ता एक विद्वान है, वह कहता है कि खिज्र खां उदार एवं न्यायप्रिय शासक था है ना। इसकी मृत्यु 1421 में हो गई, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका कार्यकाल जो है कम रहा, 1414 से 21 तक, मात्र 7 साल तक शासन किया, और शासन काल के दौरान कोई ज्यादा अचीवमेंट इसके काल में देखने को नहीं मिला। ओके, इसके बाद मुबारक शाह, मुबारक शाह इसके शासन काल में, मुबारक शाह के शासन काल की सबसे प्रसिद्ध जो घटना रही, तो इसके शासन काल में एक प्रसिद्ध विद्वान थे याहिया बिन सरहिंदी। याहिया बिन सरहिंदी इसी के शासन काल में हुए, बहुत ही उस समय के इंडिया के जाने माने विद्वान थे याहिया बिन सरहिंदी। इन्होंने तारीखे मुबारक शाही की रचना की थी और इसमें मुबारक शाह के शासन काल का उल्लेख था। ओके, और सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश के बारे में ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है, इतिहास में इसकी ज्यादा चर्चा भी नहीं की गई है, केवल शासकों का नाम याद रखेंगे, चार शासक खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था, रैयत ए आला की उपाधि ग्रहण किया, और यह तैमूर लंग के पुत्र का नाम था शाहरुख, तो शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में वह शासन किया और नियमित रूप से वह शाहरुख को कर भेजा करता था खिज्र खां। फरिश्ता एक विद्वान है, वह कहता है कि खिज्र खां उदार एवं न्यायप्रिय शासक था, 1421 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये था सैयद वंश। अब आइए लोदी राजवंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था, लोदी राजवंश। या जो है या लोदी वंश में तीन शासकों ने शासन किए और यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम पहला अफगान साम्राज्य था है ना। दिल्ली सल्तनत में पहली बार अफगान साम्राज्य की स्थापना लोदी वंश के शासकों ने ही की थी, ये लोग अफगान थे है ना। तीन शासक शासन किए, कौन कौन शासक नाम याद रखेंगे, तो लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, कार्यकाल 1451 से 1489। दूसरा और सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ सिकंदर लोदी, 1489 से 1517। और तीसरा और अंतिम शासक हुआ लोदी वंश का या दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, 1517 से 1526। तो ये तीनों शासकों का नाम याद रखना है, प्लस कार्यकाल जो है
वह ध्यान में रखना है। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, ठीक है। यह अफगानों की एक शाखा थी साहू खेल, अफगानों की एक शाखा थी साहू खेल, तो अफगान की शाखा साहू खेल से यह संबंधित था। और बहलोल लोदी जो है वह अपने जब दरबार में जाता था, है ना, अपने दरबार में अपने सरदारों का बहुत सम्मान करता था। उसका मानना था कि आज हम जो कुछ भी हैं अपने सरदार यानी कि अपने सिपाहियों अपने दरबारियों के बदौलत हैं, उन्हीं के कारण हम आज शासक बने हैं। तो वह सरदार का बड़ा सम्मान करता था, और जब तक दरबार में सरदार खड़े रहते थे तब तक बहलोल लोदी सुल्तान होने के बावजूद वह खड़ा रहता था। सरदार बैठता था, दरबारी बैठते थे, तभी वह बैठता था अपने सिंहासन पर, या अपने सरदारों को मसनद ए अली कहकर पुकारा करता था। मसनद ए अली, मसनद ए अली का मतलब होता है कि आपके रहमो करम पर, है ना, यानी कि हम आपके रहमो करम पर सुल्तान बने हैं, आप खुश रहेंगे तभी हम खुश रहेंगे। इसलिए वह दरबार में नियम बना दिया था कि पहले सरदार बैठेंगे, सभी सरदार, तब शासक बैठेंगे। और सरदार को क्या कहता था, मसनद ए अली, यानी कि आपके रहमो करम पर, ये एक उर्दू वर्ड है मसनद ए अली। तो बहलोल लोदी जो है वह लोदी वंश का प्रथम और शासक था और संस्थापक था। इसके काल में जौनपुर राज्य को पुनः दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया गया। जौनपुर राज्य, याद कीजिए, जौनपुर जो है कि स्थापना आपको फिरोज शाह तुगलक के काल में की गई थी, और बाद में जौनपुर दिल्ली सल्तनत से आज़ाद हो गया था। सरकी राजवंश की स्थापना हुई थी 1484 में। जौनपुर फिर से दिल्ली सल्तनत में शामिल हो गया था, ये एक बड़ी घटना थी, ध्यान में रखना है। लोदी वंश की जानकारी जो है वह अहमद यादगार के द्वारा रचित पुस्तक है सलातीन ए अफगान से मिलती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक है सलातीन ए अफगान, लेखक हैं अहमद यादगार। इस पुस्तक से लोदी वंश की जानकारी हमें मिलती है। तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, यह बहलोली सिक्का चलाया था, बहलोली सिक्का चलाया, और यह सिक्का इतना प्रसिद्ध हुआ आगे चलकर कि अकबर के शासन काल के पूर्व तक यह देश में विनिमय का साधन बन गया। बहलोली सिक्का कौन चलाया था, तो बहलोल लोदी। और इसके बारे में इतिहास में इसलिए चर्चा में रहा कि अकबर के शासन के पहले तक हमारे देश में ये बहलोली सिक्का ही विनिमय का प्रमुख साधन था। तो ये बहलोल लोदी के द्वारा बहलोली सिक्का चलाया गया था। बहलोल लोदी की मृत्यु हो गई 1489 में, 89 में, और बहलोल लोदी के बाद जो है निजाम खां सिकंदर लोदी के नाम से सुल्तान बनता है, है ना, लोदी वंश का दूसरा और सबसे प्रसिद्ध सुल्तान लोदी वंश का, तो सिकंदर लोदी, जिसका मूल नाम था निजाम खां। ओके, यह लोदी वंश का सर्वश्रेष्ठ सुल्तान था, है ना, सबसे प्रसिद्ध सुल्तान था। इसने 1494 ईस्वी में बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना, बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल सिकंदर लोदी किया था 1494 ईस्वी में। और 1504 ईस्वी में इसने आगरा नगर की स्थापना की, और 1506 ईस्वी में यह आगरा को अपनी राजधानी बनाया, यह आगरा नगर की स्थापना किया, और उस नगर में सिकंदरा नामक एक शहर, एक छोटा शहर बसाया, सिकंदरा, है ना। सिकंदरा कहाँ है, तो आगरा में है। सिकंदर लोदी अपने नाम से सिकंदरा शहर बनवाया, आगरा नगर की स्थापना करवाया 1504 में, और 1506 ईस्वी में यह दिल्ली सल्तनत की राजधानी आगरा को बनाया था, ये ध्यान में रखना है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया 1506 ईस्वी में। यह फिरोज शाह तुगलक की भांति हिंदू विरोधी नीति को चलाया, है ना। दिल्ली सल्तनत में दो प्रमुख शासक हुए, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी, जो हिंदू विरोधी नीति को चलाया, जिसके कारण यह विवादित हो गया। इसने क्या किया,
तो मुसलमानों को मुहर्रम और तजिया निकालने पर रोक लगा दिया। ठीक है, मुस्लिम महिलाओं को संतों के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, गंगा घाट पर जाने पर रोक लगा दिया, है ना, सिकंदर लोदी ये सब काम किया, मुस्लिम विरोधी नीति भी अपनाया, क्योंकि शिया सुन्नी जो मुसलमान होते हैं, तो जो मुसलमान मुहर्रम में तजिया निकालते थे उस पर रोक लगा दिया, मुस्लिम महिलाओं के लिए कहा कि आप किसी भी संत के मजार पर नहीं जाएंगे, और हिंदुओं को गंगा घाट पर जाने पर रोक लगा दिया था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासन काल में ही संत कबीर दास हुए और गुरु नानक हुए। संत कबीर दास उस समय मतलब सिकंदर लोदी के समकालीन थे और बहुत ही प्रसिद्ध थे, कबीर दास और गुरु नानक हुए, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये ध्यान में रखना है। सिकंदर लोदी जो है वह भूमि की माप के लिए 30 इंच का एक पैमाना चलाया था, है ना, अपने राज्य में भूमि की माप के लिए एक नया पैमाना चलाया सिकंदर लोदी, 30 इंच का था, इस पैमाने का नाम था गज ए सिकंदरी। ये गज ए सिकंदरी अकबर के शासनकाल के पूर्व तक हमारे देश में भूमि मापने का यही पैमाना था, गज ए सिकंदरी। इसने गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखी, है ना, गुलरुखी उपनाम से, अपना नाम सिकंदर लोदी नहीं लिखता था कविता में लिखता था, गुलरुखी के नाम से कविता भी लिखा था। यह इसके आदेश पर आयुर्वेदिक ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी नाम से फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया, ध्यान में रखना है, फरहंगे सिकंदरी ये आयुर्वेदिक ग्रंथ था, और सिकंदर लोदी के आदेश पर जो है आयुर्वेदिक ग्रंथ का फरहंगे सिकंदरी के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। संगीत का एक ग्रंथ था लज्जते सिकंदरी की रचना की गई, लज्जते सिकंदरी किस विषय से संबंधित है, तो संगीत विषय से संबंधित है लज्जते सिकंदरी। इसने हिंदू विरोधी नीति का परिचय देते हुए नगर कोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को खंड खंड तुड़वाकर कसाईयों के हाथों गोमांस तोलने के लिए दे दिया। यह इतना मतलब क्रूर शासक साबित हुआ खासकर हिंदुओं के लिए कि यह हिंदू विरोधी नीति चलाया, वो तो पहले भी चलाया था। यह नगर कोट में एक ज्वालामुखी मंदिर था, तो मंदिर की मूर्ति को तुड़वाया और उसको खंडित करके वह गोमांस बेचने वाले व्यक्ति को दे दिया तौलने के लिए, मूर्ति को तौलने के लिए। इतना जो है यह क्रूर शासक हिंदुओं के लिए साबित हुआ। यह कहा करता था कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं, तो सभी सरदार मेरे एक आदेश पर उसे अपने कंधों पर उठाकर ले जाएंगे। क्या कहा कि यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं, तो सभी सरदार मेरे एक आदेश पर उसे अपने कंधों पर उठा ले जाएंगे। इसका मतलब ये था कि वह इतना अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि अगर हमारी बात जो है सभी सरदार जो आंख बंद करके हमारे वह सोचता था कि हमारे जितने सरदार हैं वह आंख बंद करके हम पर विश्वास करते हैं, और अगर हम अपने गुलाम को पालकी में बैठाते हैं हम अपने से, तो सभी सरदार जो हम पर इतना विश्वास करते हैं कि वह मेरे एक आदेश पर उस गुलाम को अपने कंधों पर उठा ले जाएंगे, है ना। तो ये सिकंदर लोदी था, दिल्ली सल्तनत का प्रसिद्ध शासक साबित हुआ। फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी के बारे में जानेंगे तो हिंदू विरोधी नीति को यह अपनाया था। यह निर्माण कला में मोठ की मस्जिद का निर्माण किया था, मोठ की मस्जिद 1517 ईस्वी में इसको गले की बीमारी हो गई और इसकी मृत्यु हो, गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई 1517 ईस्वी में। क्यों नहीं होता गला का बीमारी, वह ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तुड़वा कर गोमांस बेचने वालों को दे दिया तौलने के लिए, तो निश्चित रूप से गले का बीमारी होता ही, ठीक है। तो ये था सिकंदर लोदी। अब आइए दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। 21 नवंबर 1517 ईस्वी में
इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, ध्यान में रखना है 21 नवंबर 1517। इसके असंतुष्ट, जब यह सुल्तान बना तो इसके दरबार में कई असंतुष्ट सरदार थे जो नहीं चाहते थे कि इब्राहिम लोदी गद्दी पर कायम रहे। तो इसके जो असंतुष्ट सरदार थे इसे गद्दी से हटाने के लिए इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। और उस समय क्या था कि उस समय 1517-1516 ईस्वी के आसपास बाबर का कई बार इंडिया के सीमावर्ती प्रदेशों पर हमला होता था। बाबर हमला करके वह वापस लौट जाता था। फरगना का शासक था बाबर, इंडिया के सीमा पर आक्रमण करके लूट पार करके चला जाता था। तो इसके जो असंतुष्ट सरदार थे वह निर्णय लिए कि हम लोग बाबर को इंडिया में आमंत्रित करेंगे, बाबर आएगा, है ना, और सीधा मुकाबला किससे होगा, तो इब्राहिम लोदी से होगा। इब्राहिम लोदी बाबर का मुकाबला नहीं कर पाएगा क्योंकि बाबर बहुत ही मजबूत शासक है, शक्तिशाली है। इब्राहिम लोदी मारा जाएगा और बाबर यहाँ से लूट पार करके जब फरगना वापस चला जाएगा तो अब तो हम लोग मिल करके दिल्ली सल्तनत पर राज करेंगे, है ना। और यही सोच करके बाबर को जो असंतुष्ट सरदार थे इब्राहिम लोदी के, इसमें दौलत खां लोदी था और आलम खां था, ये बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण दिया, है ना। बाबर तो लुटेरा था, है ना, वह लूट पार करके चला जाता। यही सोचकर दौलत खां लोदी और आलम खां बाबर को भारत पर आक्रमण करने का आमंत्रण भेजा और इसके परिणाम स्वरूप 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का युद्ध घटित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच, और बाबर का मुकाबला इब्राहिम लोदी नहीं कर पाया, युद्ध में ही मारा गया इब्राहिम लोदी। यह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था, इब्राहिम लोदी। इसके पहले कोई भी सुल्तान युद्ध करते हुए नहीं मारा गया था। दिल्ली सल्तनत का पहला एकमात्र सुल्तान था इब्राहिम लोदी जो पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध करते हुए मारा गया था, ठीक है। इब्राहिम लोदी के मृत्यु के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया, है ना। दिल्ली सल्तनत का पूरी तरह से अंत हो गया और मुगल राजवंश की स्थापना हुई। जो दौलत खां लोदी आलम खां जो सोचा था कि इब्राहिम लोदी के मृत्यु के बाद बाबर इंडिया से वापस चला जाएगा और हम लोग मिल करके शासन करेंगे दिल्ली सल्तनत पर, वह नहीं हो पाया। बाबर यहाँ पानीपत के युद्ध में विजयी हासिल किया और यहीं पर रह गया। निर्णय लिया कि इंडिया बड़ा अच्छा देश है, हम इंडिया पर शासन करेंगे, है ना, तो इंडिया में ही रह गया। और इस कारण दौलत खां लोदी आलम खां का जो सोच था, जो मतलब जो सोच करके आमंत्रित किया था बाबर को, वह गलत साबित हुआ और वह असफल साबित हुआ और इसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत का हमेशा हमेशा के लिए समापन हो गया और इसके बदले में मुगल राजवंश की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत में आपको 5 राजवंश शासन किए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसमें 2 प्रमुख राजवंश, अगर दिल्ली सल्तनत के 2 प्रमुख राजवंश की बात करेंगे तो खिलजी वंश और तुगलक वंश। 2 प्रमुख शासकों की बात करेंगे तो सबसे महान शासक हुआ दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी। इससे शक्तिशाली, इससे महान शासक दिल्ली सल्तनत में, या यूं कहें कि उस समय पूरे इंडिया में इससे महान शासक कोई नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा अगर शासक साबित हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक, हालांकि उसको पागल सुल्तान कहा गया लेकिन यह दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समय इसके साथ नहीं था, इस कारण वह जो भी योजना बनाया वह सब असफल हो गया, ठीक है। तो ये दिल्ली सल्तनत का हम लोग राजनीतिक इतिहास देख चुके हैं ना, 5 राजवंश का डिटेल्स में स्टडी किए, बस इतना पढ़ना, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़िए इसको, है ना, इसका वीडियो भेज देंगे, देखिए और क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनेगा तब हमसे आकर पूछिएगा कि सर
हम पढ़े क्वेश्चन नहीं बना, निश्चित रूप से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का हम लोग प्रशासन देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सा निर्माण कला हुआ देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी पुस्तकों की रचना हुई वह देखेंगे, है ना। तो अभी दिल्ली सल्तनत कंप्लीट नहीं हुआ, प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ओके।